I'm applying this turmeric on its skin since I think it got attacked by a dog, I believe. Because इस एरिया में कुत्ते बिल्लियों को एकदम बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो वो लोग बहुत ज़्यादा अटैक कर देते हैं. तो यू नीड टू मेक श्योर कि क्योंकि इनके फर बहुत ज़्यादा, बहुत मच्छर है, इनके फर बहुत ज़्यादा है, तो नीड टू मेक श्योर कि ये टर्मरिक इनके फर को क्रॉस करके इनके स्किन तक पहुँचे जहाँ एक्चुअली वुंड है, सो दैट क्योर हो जाए चीज़ें. चेक, आप नॉर्मल जगहों पे भी लगा दे सकते हो क्योंकि वैसे भी इनके स्किन पे बहुत ज़्यादा कीड़े होते हैं, तो कोई बात नहीं. एक हाथ से करना थोड़ा मुश्किल है, बट आई कैन मैनेज क्योंकि मैं ये सब चीज़ें बचपन से करती आ रही हूँ. बचपन से करती आ रही हूँ. द थिंग इज वी नॉट गोना वेस्ट द टर्मरिक, तो थोड़ा बहुत उसके बदन पे ऐसे ही लगा देते हैं. लग नहीं रहा है टर्मरिक पेपर पे, थोड़ा चिपक रहा है. ओके, एज आई सेड मैं ये सब बचपन से करती आ रही हूँ, तो आई विल मैनेज. पानी और चाहिए हमको. ये बेचारा पानी देख के डर रहा है थोड़ा सा, लेकिन इसको पता है कि मेरे चुंगल से बच नहीं सकता, तो इसकी वजह से ये थोड़ा शांत होकर भी बैठा. एक्चुअली आई शुड हैव पुट ऑयल इन दिस, बट अभी छोड़ो, क्या करें, अभी पानी मिला दिया है तो. थिंग इज द मेन पार्ट ऑफ द टर्मरिक इज कि आप इसको, ये बिल्ली अगर इसको चाट भी ले तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एज वी ऑल नो इट्स समथिंग हर्बल एंड ऑर्गेनिक. तो एक्चुअली ये ऑर्गेनिक टर्मरिक नहीं है, आई बिलीव ये तो इंडस्ट्रियल टर्मरिक ही है, बट एनीवे स्टिल इट इज गोना वर्क. अभी इसको चाट भी लेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक्चुअली अच्छा ही है. नॉट सो इजीली. वेट बेटा, वेट. इट्स डिफिकल्ट टू टच देयर टेल्स बिकॉज दे फील वेरी अनकम्फर्टेबल व्हेन वी टच देयर टेल्स, बट देखिए. हाँ, ठीक है. इसकी हालत बहुत ज़्यादा भयंकर हो चुकी है. आई होप इससे भी कुत्ते डरे. इधर के कुत्ते बहुत ज़्यादा राउडी है, वो डरते नहीं है इजीली. बिलीव ये टर्मरिक इसके स्किन पर टिके और मतलब ये ठीक हो जाए जल्दी से जल्दी. देखिए रुको, जरा सब्र करो, सब का कटेगा. चलो आई होप इसको अभी हम छोड़ सकते हैं. इसको देखे ऐसे पोछ लेती हूँ. आई बिलीव दिस इज द बेस्ट पार्ट. चलो बाय बाय. ओके.